चलिए दोस्तों, एक और कहानी लेकर आया हूँ, वो भी शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। एक सरोवर में तीन दिव्य मछलियाँ रहती थीं। वहाँ की तमाम मछलियाँ उन तीनों के प्रति ही श्रद्धा में बटी हुई थी। एक मछली का नाम व्यवहारिक बुद्धि था, दूसरी का नाम मंदबुद्धि और तीसरी का नाम अति बुद्धि था। अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था, वह सभी प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखती थी। मध्यम बुद्धि को उतनी ही दूर तक सोचने की आदत थी जिससे उसका वास्ता पड़ता था। वह सोचती कम थी, परंपरागत ढंग से अपना काम किया करती थी। व्यावहारिक बुद्धि न परंपरा पर ध्यान देती थी और न ही शास्त्र पर। उसे जब जैसी आवश्यकता होती थी निर्णय लिया करती थी और आवश्यकता न पड़ने पर किसी शास्त्र के पन्ने तक नहीं उलटती थी। एक दिन मछुआरे सरोवर के तट पर आए और मछलियों की बहुतायत देखकर बातें करने लगे कि यहाँ काफी मछलियां हैं, सुबह आकर हम इसमें जाल डालेंगे। उनकी बातें मछलियों ने सुनी। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, हमें फौरन यह तालाब छोड़ देना चाहिए। पतले सोतों का मार्ग पकड़कर उधर जंगली घास से ढके हुए जंगली सरोवर में चले जाना चाहिए। मध्यम बुद्धि ने कहा, प्राचीन काल से हमारे पूर्वज ठंड के दिनों में ही वहां जाते हैं और अभी तो वो मौसम ही नहीं आया है। हम हमारे वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को नहीं तोड़ सकते। मछुआरों को खतरा हो या न हो, हमें इस परंपरा का ध्यान रखना है। अति बुद्धि ने गर्व से हंसते हुए कहा, तुम लोग अज्ञानी हो, तुम्हें शास्त्र का ज्ञान नहीं है। जो बादल गरजते हैं वे बरसते नहीं हैं। फिर हम लोग 1000 तरीकों से तैरना जानते हैं। पानी के जल में जाकर बैठने की सामर्थ्यता है, हमारे पूंछ में इतनी शक्ति है कि हम जालों को फाड़ सकते हैं। वैसे भी कहा गया है कि संकटों से घिरे हुए हो तो भी अपने घर को छोड़कर परदेश चले जाना अच्छी बात नहीं है। अव्वल तो वे मछुआरे आएंगे नहीं, आएंगे तो हम तैर कर नीचे बैठ जाएंगे, उनके जाल में आएंगे ही नहीं। एक दो फंस भी गई तो पूंछ से जाल फाड़ कर निकल जाएंगे। भाई, शास्त्रों और ज्ञानियों के वचनों के विरुद्ध मैं तो नहीं जाऊंगी। व्यवहारिक बुद्धि ने कहा, मैं शास्त्रों के बारे में नहीं जानती। अगर मेरी बुद्धि कहती है कि मनुष्य जैसे ताकतवर और भयानक शत्रु की आशंका सिर पर हो तो भागकर कहीं छिप जाओ। ऐसा कहते हुए वह अपने अनुयायियों को लेकर चल पड़ी। मंद बुद्धि और अति बुद्धि अपने परंपरा और शास्त्र ज्ञान को लेकर वहीं रुक गई। अगले दिन मछुआरों ने पूरी तैयारी के साथ आकर वहां जाल डाला और उन दोनों की एक न चली। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग रहे थे तब व्यवहारिक बुद्धि ने गहरी सांस लेकर कहा, इनके शास्त्र ज्ञान ने ही धोखा दिया, काश इनमें थोड़ी व्यवहारिक बुद्धि भी होती। व्यवहारिक बुद्धि से हमारा आशय है कि किस समय हमें क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम निकलने पर क्या समस्याएं आ सकती है, यह सोचना ही व्यवहारिक बुद्धि है। बोलचाल की भाषा में हम उसे कॉमन सेंस भी कहते हैं। और भले ही हम बड़े ज्ञानी ना हों, मोटी मोटी किताबें न पढ़ी हों, लेकिन हम अपनी व्यवहारिक बुद्धि से किसी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्त, ये थी तीन मछलियों की कहानी।